जी मुस्तफा भाई, आप क्या कर रहे हैं इस पर? इसलिए की क्लीनिंग हो रही है फाइनल लास्ट पैचिंग से पहले ना। अच्छा अच्छा फाइनल फिनिश। देखिए जी व्यूवर्स, एक मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितनी एफर्ट के साथ कितनी मेहनत भी की जाती है और उसके बाद ही आपको ये फ़ोन यहाँ से तैयार किया जाता है। ये हो गया रेडी और ये इस डिवाइस में क्या ये बंद किया। अब उसको रखेंगे हम वैक्यूम में। ये देखें जी, ये देखें जी वैक्यूम ठीक हो गया जी। तकरीबन यहाँ पर 10 to 12 minutes का टाइम लगा। 10 to 12 भाई हो गया जी। ये देखें जी, अभी आपको दिखाते हैं कि ये हमने क्या किया, इसके प्रोसेस क्या किया है मुस्तफा भाई? इसमें बबल्स वैक्यूम हुआ है, जब हम पैच करते हैं उसमें छोटे मोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट नवाज कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवाज राजा बवार। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आपको मैं सदर रावलपिंडी सिंगापुर प्लाजा में एक बहुत प्यारी शॉप है वहाँ पर लेके आए, वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है उससे पहले आपको मैं कहूँगा, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए मुझे वॉच कर रहे हैं उनसे कहूँगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत प्यारी शॉप पे लेके आए हैं, यकीन करें कंप्लीट वीडियो देखिए आप लोगों को मज़ा आएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी अपने बिजनेस की कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस नीचे दिए हुए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत प्यारी शॉप है, मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग हो रहे हैं और बाकी क्या कुछ हो रहा है आइए मैं आपको वीडियो का बकायदा आगाज़ करता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ जी व्यूअर्स, ये आपको एक शॉप पे लेके आया हूँ, उसका नाम है सेल केयर, इट्स मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर शॉप इन द सिंगापुर प्लाजा सदर। सो वी हैव विजिटेड टुडे और द ऑनर ऑफ नेम इज़ मुज्तबा ज़फ़र। सो लेट्स टॉक विद हिम, इंशाल्लाह बात करेंगे उनसे। इससे पहले आपको थोड़ी सी शॉप दिखा दूँ, इनकी शॉप की लुक चेक करें आप, और यहाँ से ज़्यादा शॉपकीपर्स इनसे ठीक करा रहे होते हैं। मैंने कहा आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेके आऊँ, आप जो शॉपकीपर का कमीशन होता है और जो पैसे आप एक्स्ट्रा भर रहे होते हैं शॉप के ऑनर के पास आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुलिल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? से ठीक है आपकी? अलहमदुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का बहुत करम है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर आवर चैनल, आपने कीमती टाइम से हमारे चैनल के लिए टाइम दिया। मुस्तफा भाई, आपकी जो दुकान है सिंगापुर प्लाजा सदर मेन में आप बैठे हुए हैं, अपनी एक तो एग्जैक्ट लोकेशन भी चले व्यूअर्स को बता दें और फिर आपसे कोई बात भी करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है? सर सिंगापुर प्लाजा 3rd floor शॉप नंबर 9 सेल केयर के नाम से शॉप है और बाकी यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे हैं LCDs के ऊपर, सैमसंग और आईफोन के, इनके हम ग्लास रिपेयर करते हैं। LCD से मतलब कंप्लीट जो LCD पे रिलेटेड काम है वो सारा हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट कर रहे हैं। तो आपके पास मुस्तफा भाई, आप एक तो अपने बताएंगे एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्या है वो भी हमारे व्यूअर्स बता दें कि कौन से फ्लोर पे और कौन सी आपकी शॉप है। ये सर 3rd floor पे शॉप नंबर 9 सेल केयर। ठीक है, 3rd floor पे आपकी शॉप है, नंबर में आगे मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मुस्तफा भी पहले तो आप बताइएगा कि ये आपके पास इतनी लेटेस्ट हम देख रहे हैं डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह एप्पल सैमसंग और भी आप लेटेस्ट सेलफोन पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास ज्यादातर शॉपकीपर्स आते हैं या कौन आते हैं और आपके किस हिसाब से आप काम करते हैं? देखिए हमारे पास यहाँ पर काम जो है वो शॉपकीपर्स का है क्योंकि शॉपकीपर्स यहाँ पर फोन को करते हैं जीरो, तैयार करते हैं, रिफर्बिश करते हैं और कस्टमर्स के भी फोन यहाँ पर आते हैं लेकिन कस्टमर्स को इतना शायद इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है, कस्टमर्स को बहुत कम इसका नॉलेज है। शॉपकीपर्स को इसका कंप्लीट मतलब पता है, ग्लास चेंजिंग वगैरह का, LCD रिपेयरिंग का, वो हमसे करते आते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा मुस्तफा भाई, हमें थोड़ा सा कोई प्रैक्टिकल दिखा दें हमारे व्यूअर्स को, आगे सेल फोन का क्या चीज खराब हो तो क्या चीज आप ठीक करते हैं, कुछ थोड़ा सा हमें इन डिवाइसेज के बारे में बता दें। माशाल्लाह आपने इतनी लेटेस्ट डिवाइसेज रखी हुई है तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाते हैं, आए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। हमारे पास डिवाइसेज जो स्टार्ट हो रही है वो हमारे पास फर्स्ट मशीन है, उस पर हम फ्लेक्सेस चेंज करते हैं। ये फर्स्ट मशीन है? जी हाँ। अच्छा। इसके ऊपर आईफोन की, सैमसंग की जो भी स्ट्रिप्स वगैरह डैमेज हो जाए, चाहे वो टच वर्किंग बंद कर जाए या फिर डिस्प्ले वैसे वाटर डैमेज, इन बहुत सारे केसेस इसमें आते हैं, वो सारे हम फ्लेक्सेस इसके ऊपर चेंज करते हैं। ठीक है, ये मशीन हमारी फ्लेक्स चेंज पे वर्क करती है। ठीक है। ये ग्लास पैचिंग के लिए यूज होती है, ग्लास पैचिंग के लिए, जैसे नॉर्मल हुआवे, वीवो, ओप्पो, आईफोन, सैमसंग के स्टैंडर्ड मॉडल्स जितने भी हैं वो सारे इनमें हो जाते हैं, इस पर पैच हो जाते हैं। सही हो गया। इसमें हमारे पास एक और वायर जे भी है
ये डिबगलर है, ये पहले रिंग फिटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे जब पुराना नए नए टेक्नोलॉजी आई थी, ग्लास सेपरेट, रिंग सेपरेट और अच्छा जी। अब तो हम ग्लास ही जेनवन आ रहे हैं कि जिसमें हम रिंग फिटेड ग्लास आते हैं, ये मशीन का हम यूज़ होती है। बाकी ये वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होती है, डिबगलिंग मशीन से बोलते हैं, डिबगलर मशीन, डिबगलर मशीन है जी जी। अच्छा अच्छा, वैक्यूम के लिए ठीक हो गया। स्टार्ट हम करते हैं जिस तरीके से आपको थोड़ा सा बताते हैं। आईफोन 12 प्रो है ये हमारे पास, इस पर ये ग्लास डैमेज ना हमारे पास है, एक छोटा सा इसमें डॉट है एलसीडी में, लेकिन ग्लास इसका डैमेज है, इसका भी हम आपको ग्लास चेंज करके दिखाएंगे। इसका टच वगैरह प्रॉपर वर्किंग में, बस ग्लास डैमेज हो गया इसका जी, ग्लास डैमेज हो गया लेकिन डिस्प्ले आपका वर्किंग में। अब ये नया डिस्प्ले अगर आप इसको करते हैं, मार्केट से बाय करते हैं, तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट में इसका डिस्प्ले है। हम इसी ग्लास चेंज कर देंगे जिसमें कस्टमर की कॉस्ट भी कम आती है और चीज भी तकरीबन कितना अप्रॉक्सिमेटली इसकी कॉस्ट आएगी? ग्लास का तकरीबन 15,000 के राउंड अबाउट। अच्छा, राउंड अबाउट 15,000 जी। ठीक है सर, काइंडली हमें प्रैक्टिकल करके आप बता दें। चलिए जी, ये भी देखिए जी व्यूअर्स कैसे ये ग्लास चेंज होगा इसका। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बहुत प्यारी शॉप है, आप लोग का नंबर मैं दे दूंगा वीडियो में। ठीक है, आप लोग उनसे रब्ता करके आइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी डिस्काउंट सर हमारे चैनल से जाएगा, प्लीज उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा जी, सर जी, जरूर सर, हमारे चैनल का रिगार्ड कीजिएगा, जो भी हमारे व्यूवर्स आएंगे आप प्लीज स्पेशल डिस्काउंट दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है सर, अब क्या करें आप सर सबसे पहले? इसमें ये हम इसका रिंग रिमूव करते हैं, साइड पे ये रिंग इसका होता है जो एलसीडी का ग्लास को ना पकड़ के रखता है, इसके हाउसिंग में भी यही इसके लॉक थ्रेड होते हैं। सबसे पहले हम इसका हीट के ऊपर रखते हैं और इसका हम रिंग रिमूव करते हैं। ठीक है, अभी इसका हीट कर रहे हैं, उसके बाद रिमूव करेंगे जी सर। अभी इसका हम रिंग रिमूव कर चुके हैं। अच्छा सही है, एलसीडी का रिंग रिमूव। अभी हमने इसे ग्लास रिमूव करना है। जिसके जरिए आपस में दोनों जुड़े होते हैं, उसकी कटिंग इस वायर से होती है, टेम्परेचर से ग्लू नरम हो रही है और वायर कटिंग कर रही है। जी मुस्तफा भी आपके दिखा रहे हैं। अभी हमने इसे ग्लास रिमूव कर लिया, ग्लास सेपरेट हो चुका है एलसीडी से। फाइनली एक एलसीडी की चेकिंग यहाँ पर होती है, उसके बाद हमने इसे क्लीनिंग करके ग्लास पैच करना होता है। ये चेकिंग करें जी, सही होगा, मींस के इसका ग्लास जब हमने रिमूव किया उस दौरान डिस्प्ले डैमेज तो नहीं हुआ या और इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं आया? ठीक हो गया। ये देखिए जी, अब आपको डिस्प्ले चेक कराते हैं, ये ऑन हो गया, डिस्प्ले हो गया बिल्कुल जी। मुस्तफा भी, अब आप क्या कर रहे हैं इसका? ये एक ग्लू होती है जो ग्लास को और एलसीडी को आपस में पैच करती है, वो ग्लू एलसीडी से क्लीन करनी पड़ती है। अच्छा सर, ये ग्लू रिमूव कर रहे हैं आप जी? अच्छा, ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है एक मोबाइल को तैयार करने में, तो आपका बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और काफी एफर्ट्स होती है इसके पीछे जी। रिंग रिमूविंग, ग्लास, उसके बाद फिर क्लीनिंग, फिर पैचिंग, फिर वापस रिंग फिटिंग, ये सब इसमें, ये सारा का सारा इसमें। जबरदस्त जी। मुस्तफा भी, आप क्या कर रहे हैं इसमें? एलसीडी की क्लीनिंग हो रही है फाइनल ग्लास पैचिंग से पहले ना। अच्छा अच्छा, फाइनल फिनिश आ गया सर। देखिए जी व्यूअर्स, एक मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितनी एफर्ट के साथ, कितनी मेहनत भी की जाती है और उसके बाद ही आपके लिए फ़ोन यहाँ से तैयार किया जाता है। तो आप लोग भी यहाँ पर आए, इनसे डायरेक्ट रब्ता करके इंशाल्लाह मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। एक सेल फोन की स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो कैसे किया जाता है? अच्छा ये देखिए जी, जबरदस्त, ये रेडी हो गया जी। और उस दवा भी बड़ा कंसंट्रेशन में लगाना आपने ना जी सर, बहुत ज़्यादा आपको इस पर फोकस हो रहा है। ये देखिए जी, ये हो गया रेडी, और ये इस डिवाइस ने किया और ये बंद किया। डिवाइस में उन्होंने सेल फोन का डाला है और उसके बाद एक खास टेम्परेचर के अंदर उसको सेट किया जा रहा है, तो तीन होते हैं कितनी मशीन होते हैं इसमें काम हो रहा है। इसमें ऑटो मैनुअल दोनों ऑप्शन होती हैं हमारे पास। अच्छा, ऑटो और मैनुअल दोनों जी, दोनों ऑप्शन। अभी हम इसे वैक्यूम में रखेंगे। अच्छा, वैक्यूम में रखेंगे, अच्छा नहीं जाएगी। ये देखिए जी, अब उसको रखेंगे हम वैक्यूम में। ये देखिए जी, ये देखिए जी, वैक्यूम ठीक हो गया जी। तकरीबन यहाँ पर 10 to 12 minutes का टाइम लगा। 10 to 12 minutes होंगे जी जी। चलिए, इसके बाद हमारी आज की रेडी है, उसके बाद रिंग फिटिंग करना और फोन। मुस्तफा भी हो गया जी, चले जाओ। ये देखिए जी, ये आपको दिखाते हैं कि
हमने क्या किया, इसमें वैक्यूम हुआ है, जब हम पैच करते हैं उसमें छोटे मोटे बबल्स रह जाते हैं ग्लू के, उसके अंदर वैक्यूम आते हैं। महंगे महंगे आपने सेल फोन रखे होते हैं तो जब तक अच्छा आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा तो आप सेल फोन वगैरह पैसे जाया करेंगे। ये देखें आपको एक ऐसी शॉप दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त आपको जबरदस्त काम होगा। ये देखें जी सवाल करूंगा, आपने ये डिवाइसेस रखी हुई आखिर इनकी कॉस्ट क्या है और क्या हिसाब किताब है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। सर कॉस्ट इनमें तकरीबन डिफरेंस है, अब तो काफी कम हो चुके हैं प्राइसेस। लास्ट इसके जब हमने बाय की थी उस वक्त तकरीबन कंप्लीट सेटअप ये 20-25 लाख का ही है। अच्छा 20-25 लाख। ये देखिए जी व्यूअर्स, जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 20-25 लाख की ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत अच्छा, तो ये देखिएगा बहुत प्यारा सेटअप है और बहुत जबरदस्त आप माशाल्लाह सर आपके काम की एक्यूरेसी और जो डिवाइसेस और जो क्लीनिंग आपकी शॉप में माशाल्लाह हमने देखी है वो, तो अल्लाह ताला आपको बरकतें दे जी। हमारे जो चैनल से आएंगे सर आपने स्पेशल डिस्काउंट करना है और जरूर उनको डिस्काउंट देने, और बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम से हमारे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, नंबर मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया, आप लोग देखिएगा इनसे डायरेक्ट रब्ता करें। सिंगापुर प्लाजा सदर में बैठे हुए इनकी शॉप है, ठीक है, आप लोग रब्ता करके जरूर आइएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब तक लिए इतना ही, अपने होस्ट नवाज कादरी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।